दोस्तों मेरा एक फेसबुक पेज है जहां पर दोस्तों इस पेज से मैंने एक साल में $6,700 से भी ज्यादा कमाया है। इंडियन रुपीस में अगर आप देखोगे तो ये 5,40,000 रुपया होता है। तो आप लोगों को तो पता होगा कि फेसबुक पर जब कोई वीडियो डालता है और आप उस वीडियो को देखते हो तो कितने अच्छे व्यूज होते हैं, इवन वहां से लोग कितनी अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही समझने वाले हैं कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाते हैं, और ये पर्सनल अकाउंट की बात नहीं है, फेसबुक पेज से अर्निंग हो रही है। तो हम यहाँ पर फेसबुक पेज से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आपको वीडियो डालने का पूरा प्रोसेस बताएंगे ए से लेकर जेड तक। तो टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहां पर हम बात कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में उठाकर फॉलो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फेसबुक की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूबर हैं। अब जितनी भी यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं बस वो वीडियो ही डाल के आप वहां से अच्छी खासी अर्निंग देख सकते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा नाम अगर मैं लेना चाहूं तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये है मनोज दे। अच्छी खासी अर्निंग करते हैं और एक साल के अंदर इन्होंने यहाँ पर 5.5 लाख रुपए कमाए हैं सिर्फ एक साल में। दोस्तों मेरा एक फेसबुक पेज है जहां पर दोस्तों इस पेज से मैंने एक साल में $6,700 से भी ज्यादा कमाया है। इंडियन रुपीस में अगर आप देखोगे तो ये 5,40,000 रुपया होता है। तो ये है फेसबुक पेज का कमाल। तो फेसबुक पेज क्रिएट कैसे करना है सबसे पहले इसी चीज को समझ लेते हैं, और इसके बाद हम कैसे उसमें वीडियो डाल सकते हैं, कैसे अपनी यूट्यूब की वीडियोस को वहां पर पब्लिश कर सकते हैं, एंड क्या क्या चीजें हैं जो वहां पर हमें समझने की जरूरत है। फेसबुक पेज को क्रिएट करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को कि कैसे करना है हम अपने फेसबुक पेज को क्रिएट। सो गाइस, ये है मेरा फेसबुक अकाउंट। यहाँ पर मुझे 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये है हमारा पेज वाला। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आ गए हैं कि आप कुछ पेजेस आप देख पा रहे हैं, या तो आप इनसे कुछ रेफरेंस ले लें, अदरवाइज़ यहाँ पर आपका क्रिएट करने का एक ऑप्शन लिखा हुआ है, आप सिंपल से अपने पेज को क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड ओके कर देंगे। पेज का नाम, यहाँ पर आपको अपने उस पेज का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सैफी सिंगर, जो मेरा ऑलमोस्ट हर जगह पर है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है, और नाम देने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये किस कैटेगरी में आता है, यहाँ पर आपको कैटेगरी देनी है। हालांकि कुछ कैटेगरी लिखी है लेकिन आप सर्च कर सकते हैं अलग से अगर आपके पास कोई एडिशनल चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे इंटरटेनमेंट, अगर इसमें आता है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंटरटेनमेंट क्लब है। यहाँ पर बहुत सारी सीरीज़ हैं तो मैं यहाँ पर सीधा इंटरटेन कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आएगा इंटरटेन तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कुछ अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। मैं यहाँ पर सिंपल से डाल देता हूँ, जैसे मैं सिंगर हूँ लेकिन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यूट्यूबर। तो देखते हैं यूट्यूबर यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। चलिए यूट्यूब भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर डाल देता हूँ कॉन्टेंट क्रिएटर, कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं आ रहा है तो क्रिएटर डाल के देख लेते हैं। डिजिटल क्रिएटर, ये हमारा एक डिजिटल क्रिएटर आ गया। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम यहाँ पर चीज़ें डालते हैं तो टेक्निकल भी हो जाएगा, और सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसको भर सकते हैं। म्यूजिक स्कूल और स्कूल के आ गए, म्यूजिक स्कूल वोकल्स नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। तो डिजिटल क्रिएटर है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, बस ये सब चीज़ें डाल देते हैं और इसको कर देते हैं नेक्स्ट। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद हमारी जो कैटेगरी है ये सबमिट हो रही है सैफी सिंगर के नाम पे, एंड ये पेज हमारा हो गया है आगे। अब आपको जर्नल में कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि आपको अपना यहाँ पर एक बायो सेट करना है, कॉन्टैक्ट की यहाँ पर डिटेल डालनी है, लोकेशन आपको डालनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बायो में लिख देता हूँ वेलकम टू ऑल फैमिली, यहाँ पर लिख दिया। एंड यहाँ पर लिख देते हैं इन्फ्लुएंसर, और ये लिख देते हैं यहाँ पर लाइफस्टाइल, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में आप कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ईमेल एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें आप यहाँ पर दे देना, और इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। एड्रेस वगैरह आप यहाँ पर अपना डालना चाहो तो डाल देना, अदरवाइज इसको नेक्स्ट कर देना। मैं यहाँ पर सिंपल से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक्शन एक बटन आ गया है, इस बटन का एक आगे बेनिफिट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी या तो आपको अपना दो चीज़ें, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ लगाएंगे और बैकग्राउंड की इमेज यहाँ पर लगाएंगे, दोनों चीज़ें आप अपने गैलरी में से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं।
और मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट करता हूँ। फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं लगाना है। तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेना है और ये आपको यहाँ पर इंडिया चूज़ कर लेना है और इसके बाद इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड कर देना। सिंपल से ये कोड मांगेगा, बाद में मैं इसको करता हूँ। कुछ फ्रेंड्स हैं आपके जिसको आपको यहाँ इनवाइट करना है, करना चाहो ठीक है, अदरवाइज इसको नेक्स्ट कर देना। और इसके बाद यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, पेज का नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा है मार्केट एंड प्रमोशनल ईमेल अबाउट योर पेज। आपको कुछ भी मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने ईमेल पे तो उसको सिलेक्ट कर देना, मैं कर देता हूँ, अगर कुछ ऐसा होता है तो आ जाएगा। डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमारा जो स्विच प्रोफाइल है वो देखिए पेज हमारा कन्वर्ट हो रहा है और ये हमारे पास अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। गाइज हमारा जो पेज है वो बन चुका है। अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है अपने पास से। देखिए आपको मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले कोई भी एक पोस्ट डाल सकते हैं और पोस्ट डालने के बाद आपको ये उससे पहले ये हेल्थ जो है अपनी फेयर कर लेनी है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, बैकग्राउंड पिक्चर लगानी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लेना एंड आपका पेज बिल्कुल रेडी है, एकदम रेडी है आपका पेज। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मोर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आ जाना है एंड यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम देखेंगे तो अबाउट सेक्शन है। इस अबाउट सेक्शन में आप देखिए हमारे पास क्रिएट टुडे जब हमने पेज बनाया है ये आ गया, हमारे एडमिन की इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ नीचे आ जाएगी। इस तरह से पूरे पेज की जो है वो आप मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। ऐड एक्शन बटन यहाँ पर जो मैं आपको ये बता रहा था, अभी इसको क्या करना है, सिंपल से टैप करेंगे ऐड एक्शन बटन पे और यहाँ पर आप इसको वॉच नाउ वाला कर देंगे नेक्स्ट एंड यहाँ पर आपको एक यूट्यूब की लिंक दे देनी है अपने यूट्यूब चैनल की। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल की लिंक दे देता हूँ अपने। सो गाइस यहाँ पर मैं अपने चैनल की अब लिंक डाल दिया है मैंने और इसको कर देते हैं सेव। तो ये हमने अपने चैनल का यहाँ पर लिंक डाल दिया है एंड यहाँ पर मेक प्रमोशनल इवेंट ये हमने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया और सेव कर लिया है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो फेयर है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है। अब हम यहाँ पर सिंपल से इसकी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं एंड यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर को एक्सेप्ट करेंगे हम गैलरी से और ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको, मेक टेम्प्रेरी कर देते हैं इसको। अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ करते हैं, अदरवाइज इसको सेव कर दें। मैंने सिर्फ इसको सेव कर दिया है और थोड़ा सा और रिफ्रेश करेंगे तो हमारी फ़ोटो अभी अपलोड हो रही है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अभी हमारी जो एंगेजमेंट है ये थोड़ी सी और बढ़ जाएगी सिंपल से और ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर हो चुका है अपलोड और ये देखिए हमारा फेयर थोड़ा सा और बढ़ गया है। इसी तरह से अपने फेयर को बढ़ा लेंगे सारी बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें लगा के एंड आप सिंपल से यहाँ पर रिटर्न पोस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पोस्ट करेंगे एंड सिंपल से आपका पेज रेडी हो गया है अब बूस्ट होने के लिए।